प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश आहवाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में मुख्यतः चार संप्रदाय हैं, जैसे एक वैदिक संप्रदाय, दो वैष्णव संप्रदाय, तीन शैव संप्रदाय और चार स्मात संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही शाक्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और संत संप्रदाय आते हैं। उन्हीं में दसनामी और 12 गोरखपंथी संप्रदाय शामिल है। जिस तरह शैव के कई उप संप्रदाय है, उसी तरह वैष्णव और अन्य के भी है। आओ मित्रों, जानते हैं कि किस तरह नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। नाथ संप्रदाय अवधूत संप्रदाय है। इसका अर्थ होता है स्त्री रहित या माया प्रपंच से रहित रहना। ये कहा गया है कि जो सभी तरह के प्रकृति जन्य विकारों को त्याग देता है, वही सही मायने में अवधूत होता है। नाथ संप्रदाय के लोग अलग शब्द से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। भगवान शंकर को भोलेनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। नाथ शब्द का प्रचलन हिंदू, बौद्ध और जैन संतों के बीच विद्यमान है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। वैष्णवों में स्वामी और शैवों में नाथ शब्द का महत्व है। नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीन और योगियों का संप्रदाय है। ये हठ योग पर आधारित है। इस संप्रदाय के योगियों के दाह संस्कार नहीं होते। दीक्षा लेने के लिए इन्हें अपने कान छिदवाने होते हैं। इसे तांत्रिक वज्रायान का सात्विक रूप भी कहा जाता है। नाथ साधु संत परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले हुए वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सीगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन व्यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। भगवान शंकर के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। उन्होंने वैष्णव और शैव परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। दत्तात्रेय को महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय जाता है। दत्तात्रेय को आदिगुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ परंपरा को फिर से संगठित करके पुनः उसकी धारा अबाध गति से प्रवाहित करने का कार्य किया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने शैव धर्म की सभी प्रचलित धारणाओं और धाराओं को एकजुट करके नाथ परंपरा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके अलावा नाथ साधुओं में प्रमुख नाम है भर्तृहरिनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवननाथ, कानीफनाथ, जलंधरनाथ, कृष्णपाद, बालक गहनीनाथ, योगी गोगादेव, रामदेव, साईनाथ आदि। महार्णव तंत्र में कहा गया है कि नवनाथ ही नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। इस संप्रदाय के योगियों के मुख्य अंग योगासन, नाड़ी ज्ञान, षटचक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाए नहीं जाते। यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संप्रदाय में मांस आदि तामसी भोजनों का निषेध है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।